एक बार वाराणसी का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी वहां से चुनाव जीत चुके हैं। अजय राय का थोड़ी देर पहले आपने रिएक्शन भी सुना, वो चुनाव हारे जरूर हैं लेकिन इस हार में भी अपनी वो जीत देख रहे हैं। वहां पर उपेंद्र किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच, क्योंकि जीत का जो लक्ष्य रखा गया था बहुत बड़ा था, उतना बड़ा नहीं देखने को मिला है लक्ष्य, लेकिन हाँ ये कि जीत जीत होती है, कैसी तस्वीर देख पा रहे? बिल्कुल, देखिए जीत 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 होती है अमित। 1,52,000 से करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते, हालांकि 2014-2019 के मुकाबले ये जीत का अंतर बहुत कम है। हम खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अब ये देखिए जश्न बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय पे हूँ और बात भी कर लेता हूँ, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी जीते, हालांकि जीत का जो फासला है वो बेहद कम है। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय कह रहे हैं वो हार कर भी जीत गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जीत एक वोट की होती है और देश ने प्रधानमंत्री जी को अपना बनारस के लोगों ने प्यार दिया है और तीसरी बार फिर वह एक बार। कारण क्या रहा कम कम अंतर का? कारण क्या रहा? वोट क्या नहीं निकला? आपको क्या लगता है कम अंतर का कारण क्या रहा? विपक्ष ने झूठ बोला और जो नेगेटिव साइड किया उसको वो थोड़ा बहुत असर आया, लेकिन जीत तो जीत होती है। बिल्कुल, कम वोट का फासला रहा, इसका कारण क्या रहा? सबसे पहला तो यही रहा कि जो जातिवाद हुआ और उन्होंने जो लोगों को ये भ्रम में डाला कि मैं इतना रुपया दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, जबकि जहां उनकी सरकार है वहां पे आज तक उन्होंने ना कुछ किया ना कुछ करने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे झूठे लोगों पे जनता ने भरोसा किया और भरोसे का आज परिणाम है और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। और हम कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे गुरु हमार काशी हमार मोदी, मोदी जीत गल तो लगा भी हुआ, बिल्कुल बैनर भी लगा हुआ देखा ये तो क्या बहुत है वोट एक बार का कम निकल का वोट घर से के फासला का है इतना कम रह गया। 2014 में भी जब पहली बार लड़े थे तब 2.5 लाख से थे, उसके बाद 4.5-5 लाख से, इस बार 1.5 लाख वोटों से क्या अंतर रहा? आप लोग के संगठन में क्या जमीनी स्तर पर कुछ कमी है? आप लोग वोट नहीं निकलवा पाए घर से? भैया हम लोग वोट निकलवा पाए भी और वोट दिवाए भी, 50% से ऊपर पड़वे नहीं किया। और ये देखिए प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं, राहुल गांधी को आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय, और बड़ी सी मुस्कान प्रियंका गांधी राहुल गांधी के चेहरे पर, सुप्रिया श्रीनेत भी साथ में दिख रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी होंगे। राहुल गांधी निकल चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। दोनों के चेहरे पर आप ये जो हंसी देख रहे हैं, मुस्कान देख रहे हैं, मेहनत जो 2 महीने की मेहनत रही उसके बाद की ये तस्वीर है। बहुत समय बाद INDIA गठबंधन, बहुत समय बाद ये मुस्कान देखने को मिल रही है राहुल के चेहरे पर, प्रियंका के चेहरे पर। भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो घूमे, लोगों से मुलाकात की, उन्होंने संगठन को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की हार हुई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद चेहरे के ये भाव देखने को मिले नहीं थे, लेकिन आज चूंकि इंडिया ब्लॉक ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है, पूरे देश में 233 सीटों पर अगर उनके प्रत्याशियों ने या तो बढ़त बनाए रखी या फिर जीत दर्ज कर ली है, तो चेहरे पर ये मुस्कान बहुत स्वाभाविक है। राहुल गांधी साथ में प्रियंका गांधी, सुप्रिया श्रीनेत को आप देख सकते हैं, कांग्रेस के बाकी कई नेता हैं। प्रदीप जी, जब मैं रायबरेली में मौजूद था और राहुल गांधी का नॉमिनेशन था, ठीक उसी दिन सुबह सुबह ये खबर आई कि राहुल रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगे, वहां पर आए उनसे तमाम सवाल किए गए कि आप अमेठी से रायबरेली क्यों आ गए, ना उन्होंने किसी सवाल का जवाब दिया और ना चेहरे पर कोई भाव देखने को मिला, एक चुप्पी थी। लेकिन आज चेहरे की ये मुस्कान क्या बता रही कि कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिल गई है? देखिए हम लोग अलायंस में साथ मिलकर लड़े और एक दूसरे की ताकत बने हैं और यही एक भारतवर्ष की परंपरा रही है। हम तो गंगा जमनी तहजीब से जुड़े हुए लोग रहे हैं, हमारी पार्टी हमेशा उसको मानती रही है और अलायंस में भी हम दूसरे पार्टनर का, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे उसके हिसाब से थोड़ा सा कमतर है, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होनी है, थोड़ा इंतजार क्या नहीं कर लेना चाहिए था कि आप जो गठबंधन के तमाम पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हैं, वो भी आ जाए तो एक साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अभी। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है वो तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। और अखिलेश यादव जी अभी पहले, क्योंकि अभी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, वो अभी लखनऊ में मौजूद हैं। और हर पार्टियां इंडिविजुअल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हमारे सहयोगी शिवम प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस कार्यालय से, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। शिवम, हम तस्वीरें देख रहे हैं, 2 तस्वीर है, एक तरफ राहुल, प्रियंका, सुप्रिया सुने सभी के चेहरे पर मुस्कान और दूसरी तरफ सभी के पार्टी कार्यालय पहुंचने का इंतजार। किस तरह की हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें सामने आ सकती हैं?
पर 10 सालों के बाद कांग्रेस मुख्यालय में उछाड़ आया है, जब यहाँ जख्म का माहौल है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा था कि वो 295 सीटें जीतेगा, लेकिन एग्जिट पोल्स के बाद लगभग सभी को ये आशा थी कि बीजेपी बड़े मार्जिन से एनडीए